नमस्कार, मैं दीति फौजदार। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी कमी कैसे आ जाती है। विटामिन डी हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विटामिन है। ये शरीर के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी की वजह से सेहत से जुड़ी कई परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि धूप में कम से कम समय बिताने की वजह से भी जरूरी पोषक तत्व की कमी लगभग हर दूसरे व्यक्ति में देखने को मिल सकती है। विटामिन डी की कमी को विटामिन डी डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। ये शरीर के कई जरूरी फंक्शंस को प्रभावित भी करता है। बच्चों में इसकी कमी सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है। आइए जानते हैं विटामिन डी की कमी से बच्चों की सेहत कैसे प्रभावित हो सकती है। विटामिन डी कैल्शियम की सही मात्रा को बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे ब्लड और हड्डियों में कैल्शियम की कमी नहीं होती और हड्डियां मजबूत रहती हैं। विटामिन डी के बिना शरीर कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इस वजह से कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है और साथ ही हड्डियां और टिश्यू भी कमजोर होने लगते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से थायराइड की समस्या भी हो सकती है। बच्चों के लिए ये काफी ज्यादा गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से शरीर हड्डियों से कैल्शियम मांगने लगता है, जिस कारण सॉफ्ट बोन्स और रैकेट की समस्या भी हो सकती है। इस कंडीशन में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं और विकास में रुकावट भी होने लगता है। विटामिन डी कमी की वजह से बच्चों को मानसिक विकास में भी समस्या होने लगती है, इसलिए उनमें सबसे ज्यादा गंभीर समस्या यही है कि विटामिन डी की कमी उनमें नहीं आनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं इसके बचाव के तरीकों के बारे में। सबसे पहले बच्चों को रोज कुछ समय के लिए धूप में खेलने भेजें, ताकि उनकी स्किन सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके और साथ ही विटामिन डी भी बना सके। इसके साथ ही उनको एक्सरसाइज भी करने भेजें, ताकि वो एक्टिव रहें। इसके साथ ही डाइट में कुछ ऐसे फूड आइटम्स को शामिल करें जिसमें विटामिन डी मौजूद हो, जैसे कि मशरूम, एग, फैटी फिश आदि। इन सभी चीजों को अपने बच्चों की डाइट में जरूर शामिल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए बनी रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ। धन्यवाद।